नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राधे श्याम सिंह गुड्डू बने कार्यकारी सदस्य, कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशियों की लहर। आजमगढ़ जिला के गोपालपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक पद के भावी दावेदार राधे श्याम सिंह गुड्डू का टिकट कैंसिल हो जाने के बाद जहां उनके चेहरे पर मायूसी छा गई थी, वहीं उनके समर्थकों में काफी आक्रोश था। इस बात की जानकारी जब भाजपा के आला कमान पदाधिकारियों तक पहुंची तो पार्टी के कुछ नेताओं ने राधे श्याम सिंह गुड्डू को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया। यह जानकारी देते हुए राधे श्याम सिंह गुड्डू के समर्थकों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी, जिससे उनके समर्थक उनके निवास स्थान गद्दोपुर जलालपुर में पहुंचकर फूल मालाओं से स्वागत किया और राधे श्याम सिंह गुड्डू ने सबका आभार प्रकट करते हुए मीडिया से कहा कि मैं तब भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानता था, आज भी मानता हूं। मैं हर संभव प्रयास रहेगा कि गोपालपुर में कमल का फूल हर हाल में खिले। न्यूज 9 भारत के लिए अपने सहयोगी शिखा रावत के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ जिला के गोपालपुर विधानसभा के गद्दोपुर जलालपुर गांव में जहां भारतीय जनता पार्टी के भावी उम्मीदवार दावेदार युवा नेता राधे श्याम सिंह गुड्डू को भाजपा से टिकट मिलना था, लेकिन किन्हीं कारणवश पार्टी ने टिकट नहीं दिया, सत्येंद्र राय को उतार दिया, जिससे कार्यकर्ता इनके नाराज हो गए थे। जब ये बात आला कमान नेताओं को पता चला तो उन्होंने राधे श्याम सिंह गुड्डू को उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी कमेटी में मेंबर बनाया है, जिससे इनके कार्यकर्ताओं में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी और साथ ही साथ वह लोग आ जाकर इनके दरवाजे पर फूल माला से इनका स्वागत किए हैं। आइए सीधे जानते हैं राधे श्याम सिंह जी से कि आपको कैसा फील हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और पूर्व में भी आपसे मैंने एक बार मीडिया के सामने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, तो भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मेरे शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे जो भी दायित्व दिया गया है मैं उसे बखूबी निभाते हुए सहर्ष स्वीकार किया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। हाँ सर, माँ ने तो अपना रोल अदा कर दिया, एक बेटे को ऊँचाइयों बैठाने की कोशिश की है, अब जिम्मेदारी भी आपकी बड़ी है। जैसा कि अफवाहें उड़ रही थी, चर्चाएं उड़ रही थी कि आप निर्दल लड़ेंगे, नाराज हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, अफवाहों चर्चाओं पे तो मैंने पहले ही विराम दे दिया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मैं माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मेरे रोम रोम में भारतीय जनता पार्टी बसती है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और मैं जनपद के दसों विधानसभाओं से के कार्यकर्ताओं जनता से अपील करता हूँ कि आप लोग हमारा प्रत्याशी देखिए, व्यक्ति नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल होता है, हम कमल खिलाने के लिए तत्पर हैं और 10 की 10 विधानसभा हम लोग आजमगढ़ में जीतने जा रहे हैं। ये थे राधे श्याम सिंह गुड्डू जी, इन्होंने कहा कि हम तब भी जैसे थे आज भी वैसे हैं, क्योंकि गोपालपुर विधानसभा में इस मरतबा कमल का फूल खिलाएंगे, केसरिया लहराएंगे और उत्तर प्रदेश में फिर एक बार योगी जी की सरकार बनाएंगे। न्यूज 9 भारत के लिए अपने सहयोगी